स्पाइसजेट के पायलटों के लिए बुरी खबर। स्पाइसजेट के इन पायलटों पर गिरी गाज। स्पाइसजेट का घाटा बढ़ा। स्पाइसजेट के पायलटों के लिए बुरी खबर है। एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि उसने अपने 80 पायलटों को 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। इस दौरान इन पायलटों को वेतन भी नहीं मिलेगा। स्पाइसजेट के पायलटों पर गिरी गाज। बता दें कि जिन पायलटों को बिना वेतन की छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है, उनमें एयरलाइंस के बोइंग और बॉम्बार्डियर्स बेड़े के पायलट शामिल हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे एयरलाइन के इस फैसले से पायलटों के एक वर्ग में हड़कंप मच गया। मिलती रहेंगी ये सुविधाएं। छुट्टी पर भेजे गए पायलटों की सैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि इसके अलावा वो सभी कर्मचारी लाभों के लिए पात्र रहेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें बीमा लाभ और एम्प्लॉई लीव ट्रेवल आदि का फायदा मिलता रहेगा। 80 पायलटों को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद स्पाइस जेट के पास अपने पूरे शेड्यूल को संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट मिलेंगे। काम पर नहीं होगा असर। स्पाइस जेट ने साफ कर दिया है कुछ पायलटों को बिना पगार छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद काम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पायलट हैं। सर्विस में कोताही बरतने को लेकर DGCA ने स्पाइस जेट को पूरा ऑपरेशन चलाने पर रोक लगाई है। कंपनी के मुताबिक जब ये रोक हटेगी तो कंपनी के पास पर्याप्त पायलट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। स्पाइस जेट के पायलटों के लिए बुरी खबर। स्पाइसजेट के इन पायलटों पर गिरी गाज। स्पाइसजेट का घाटा बढ़ा। स्पाइसजेट के पायलटों के लिए बुरी खबर है। एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि उसने अपने 80 पायलटों को 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। इस दौरान इन पायलटों को वेतन भी नहीं मिलेगा। स्पाइसजेट के पायलटों पर गिरी गाज। बता दें कि जिन पायलटों को बिना वेतन की छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया है, उनमें एयरलाइंस के बोइंग और बॉम्बार्डियर्स बेड़े के पायलट शामिल हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे एयरलाइन के इस फैसले से पायलटों के एक वर्ग में हड़कंप मच गया। मिलती रहेंगी ये सुविधाएं। छुट्टी पर भेजे गए पायलटों की सैलरी नहीं मिलेगी, हालांकि इसके अलावा वो सभी कर्मचारी लाभों के लिए पात्र रहेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें बीमा लाभ और एम्प्लॉई लीव ट्रेवल आदि का फायदा मिलता रहेगा। 80 पायलटों को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद स्पाइस जेट के पास अपने पूरे शेड्यूल को संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट मिलेंगे। काम पर नहीं होगा असर। स्पाइस जेट ने साफ कर दिया है कुछ पायलटों को बिना पगार छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद काम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पायलट हैं। सर्विस में कोताही बरतने को लेकर DGCA ने स्पाइस जेट को पूरा ऑपरेशन चलाने पर रोक लगाई है। कंपनी के मुताबिक जब ये रोक हटेगी तो कंपनी के पास पर्याप्त पायलट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।